नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कराड है और मैं एक्चुअल मराठी थिएटर और मराठी फिल्मों से हूँ। मराठी फिल्म और थिएटर में मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये हिंदी फिल्म है माहिरू, वो मेरा पहला डेब्यू है, जो मुझे हमारे डायरेक्टर विट्ठल वेतुरकर जी ने मुझ पर इतना भरोसा रखा, मुझे काम दिया। मेरा काम देख के उन्होंने बहुत सारा मुझे विश्वास दिखाया कि तू कर सकता है और मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। एक्चुअल क्या है कि माहिरू मतलब प्यार अपना, तो इस फिल्म में प्यार के बारे में है, लेकिन उसमें मेरा जो किरदार है वो एक पुलिस वाले का है, एक कॉप का है, जो इसमें अलग ही शेड से निभा रहा है। जब आप फिल्म देखने जाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये कॉप बाद में कैसे चेंज ओवर होता है, उसके कैरेक्टर में कैसे चेंज होता है, फिर वो आपको इसके लिए फिल्म देखना थिएटर में आने की बहुत ज़रूरत है। तो शूटिंग के दौरान कैसा अनुभव रहा, बताइए। शूटिंग में तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मतलब हम लोग को सच में पता नहीं था कि शूटिंग चल रहा है। हम लोग राजस्थान बीकानेर में थे और हमारे विट्ठल जी जो शूट कर रहे थे 8 दिन 10 दिन, जितना काम कर रहे थे, हम लोग को कुछ भी तकलीफ होने नहीं दी। हम लोग बहुत मस्ती मजाक से रह रहे थे, हम लोग के क्रू के साथ नाइट शूट था, तभी भी धमाल मस्ती किया। लेकिन ये शूट जो हुआ था वो नवंबर में हुआ था, जब हमारे नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में भी उन्होंने इतना धैर्य दिखाया, हमारे प्रोड्यूसर जो है रश्मि साटम और निखिल खेड़ेकर जी, उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया, जबकि हमारे बहुत सारी फिल्में उस पैसे की वजह से, नोटबंदी की वजह से बंद हो चुकी थी और शेड्यूल आगे जा चुका था। लेकिन हमारे डायरेक्टर जो डायरेक्टर हैं विट्ठल वेतुरकर जी, उन्होंने बहुत सारा धैर्य दिखा के ये फिल्म कंप्लीट किया। इस फिल्म के अलावा कौन से फिल्म में काम कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्शन? फिलहाल तो मैं मराठी 12 से 13 फिल्में कर चुका हूँ, अभी 4 फिल्म मेरी रिलीज में है और एक किरण कुलकर्णी वर्सेस किरण कुलकर्णी अधिकारी ब्रदर्स, इसका फिल्म मैं कर चुका हूँ, जो जी टॉकीज पे दिखता रहता है। और मराठी थिएटर से हूँ, मराठी फिल्मों से हूँ, ये मेरा हिंदी डेब्यू है। लेकिन विट्ठल सर, मुझे एक बात याद है कि विट्ठल सर मुझे बोले थे 4 साल पहले, जब मैं उनके साथ एक मराठी फिल्म कर रहा था, तभी वो बोले थे कि 4 साल बाद भी होगा ना तो तुझे मैं कॉल करूँगा, बुलाऊँगा, क्योंकि तू काम अच्छा करता है। उसके लिए विट्ठल सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इसमें इस फिल्म में काम करने का चांस दिया, मेरे ऊपर भरोसा रखा। थैंक यू सो मच।